लेडीज एंड जेंटमैन मॉड्यूल वन टू फोर हेर आई एम विदर इंडिजिनस मुरोरीप्रनोरशिप इन स्क्रीन प्रोडक्शन केस स्टडी अक्सर में केस स्टडीज के साथ इसलिए आता हूँ ताकि हम ऐसी चीज़ों की केस स्टडीज को लेकर आएँ जो पहले नहीं थी आई एम फेड अपिफरेंट वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल बेस केस स्टडीज तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम कुछ और तरह की चीज़ें ले कर आएं इंडिजिनस मुरोरी एंटरप्रनियोरशिप के बारे में हम बात कर रहे थे लास्टली अब हम बात करते हैं कि इसने किया क्या था तो रीसेंट रिसर्च प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ वे दैट इज इंडिजिनस मोरोरी आर कंट्रीब्यूटिंग टू कल्चर अच्छा एक आइडिया मैं बताना चाहता हूँ कि कल्चर क्या होता है देखिए कल्चर में मैं किस तरीके से उसको बेच सकता हूँ अच्छा मैं अब लफ्ज थोड़ा सा आ, आ, हल्का सा अनएथिकल होने वाला है लेकिन वो आप ये समझें कि मैं आसानी के लिए क्योंकि बिजनेस आंटरप्रन को भी पढ़ा रहा हूँ तो कल्चर बिकता भी है तिब्बत व्हेन इट कम्स टू तिब्बत आपको सब मार्क्स याद आएंगे वहां पे मटेरियलिज्म काफी ज्यादा है लेकिन आपको लगेगा कि आप तो सन्यास लेने जा रहे हैं मैं यदम कहूंगा कि आप चेन्नई से ऊपर वाले इलाके में जाए सब सन्यास हो जाएगा फिर श्रीलंका के बेशुमार ऐसे इलाके हैं और मैं आपको ये कहूंगा कि प्लीज गो एंड फाइन एंड उसके एक्सप्लोर करें आप श्रीलंका को श्रीलंका इज द बेस्ट इन कल्चर कैसे जी मुझे वहाँ पे थाईलैंड में मलेशिया में बाकी जगहों पे तो होगा ही होगा इधर आपको एक जगह पे मैं वहाँ बता रहा हूँ वहाँ पे एक एक रिवर साइड है उसका नाम मैं हल्का सा भूलता हूँ लेकिन बंतूता से आगे चले जाएँ और बंतूता से आके हाडुआ और हाडुआ से आगे मरीसा तक अगर आप जाएँ तो वहाँ पर आपको लेक साइड रिवर साइड के अंदर मुख्तलिफ आईलैंडस मिलेंगे वहाँ पर एक जगह के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ स्नैक्स हैं स्नैक ऑयल्स मिलते हैं वहाँ पर फिर मुख्तलिफ बूटियाँ मिलती हैं वहाँ पर फिर एक ख़ास कल्चर के अंदर रहने वाले लोग हैं जो मुख्तलिफ बूटियों से इलाज करते हैं संन्यास करते हैं फिर उसके अंदर जो है वो ऑक्यूपन्चर और आयुर्वेदिक का एक पूरा कल्चर है इस आयुर्वेदिक ने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आइडिया डेवलप किया और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो पूरी दुनिया में बेची जाती है आपको उस ख़ास कल्चर के लोग मिलेंगे जिन्होंने ऑरेंज कलर का गाउंस वगैरह पहने होंगे या उन्होंने एक टाइप वो जो है वो धोती नुमा कोई चीज़ पहनी होती है देन उनका एक ख़ास कल्चर है इससे क्या है कि तो ख़ास लैंग्वेज है कल्चर है एक आ, आ, क्रिज्मा है उस क्रिजमा के अंदर उन्होंने उस चीज़ को उसके इकनॉमिक रिवाइटलाइजेशन के अंदर लेकर आए यानी आप ये समझें कि अगर मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि कल्चर के अंदर अगर जिस तरीके से श्रीलंका बैठा हुआ है तो आप वहाँ पर किसी भी टूरिस्ट को देखेंगे चाहे ऑस्ट्रेलियन को देखें अमेरिकन को देखें वो ख़ास किस्म के हाथी वाले पजामे पहने में मिलेंगे आपको उनके किस्म ख़ास किस्म के ऑरेंज कपड़े भी पहन लेंगे कुछ लोग बुद्धिस आइडिया को एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ के जो बुदस्त मार्क्स में जाने का खास तरीक़ाकार है वहाँ पे जाएंगे कुछ लोग 40-40 दिनों के लिए वहाँ पे सन्यास लेने जाते हैं यू विल एलमेज के जर्मनी से और पूरी दुनिया से बेशुमार लोग वहाँ पर रहते हैं उसके कल्चर में आपके अंदर रचते हैं बसते हैं समाते हैं So, उनके लिए जो ये इकोनॉमिक रिवलाइजेशन जो है ये रिवाइटलाइजेशन उनकी कम्युनिटी के अंदर उनकी खास कम्युनिटी को डिपेक्ट करने के अंदर काम आती है अच्छा लिंग्विस्टिकली ये आपको कैसे फायदा देती है जी कई जुबानों के अंदर आपने किताब देखी है पावर ऑफ नाव इसी तरह के बहुत सारे बुद्धिस्ट आइडिया जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि आपका ब्रेन केमिकल्स जो है वो कैसे काम करेगा आपका माइंड कैसे काम करेगा आप फोकस कैसे होंगे और फिर सबसे बड़ी मर्जें जो पैदा होना शुरू हो गई और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अगर टेस्ट करवाना शुरू करूँ तो जहनी अमराज इतने ज़्यादा हैं कि हर तीन में से कोई ना कोई जहनी मरीज है और जहनी मरीज इस तरह से यानी अगर उसके बीमारियों के नाम दूँ तो बायपोलर होना तो नॉर्मल हो जाएगा बायपोलर हो रहा है कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं किसी के अंदर ऑटिज़म आ रहा है किसी के अंदर कोई चीज़ आ रही है किसी के अंदर एक एंगर है किसी के अंदर एग्रेशन है कई वेव हो जाता है कई गूफ हो जाता है कोई ग्राम्पी हो जाता है मुख्तलिफ़ की जो जहनी अमराज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर इन्होंने क्या किया इस तिब्बत में चले जाए यूनान में चले जाएँ नेपाल में चले जाएँ तो वो कहते हैं जनाब हम हायर मेडिटेशन कर रहे हैं हम आपकी बॉडी को रिलीज कर रहे हैं हम सोल एंड बॉडी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और सो एंड सो फोर्थ ये एक स्ट्रोंगेस्ट कल्चर को जब डिपेक्ट करता है तो इसके ऊपर ने ऊपर काम किया तो ये इसको जो है दे डिस द केस ऑफ निकोलहानी कंपनी ओनर सेंको सें फिल्म प्रोडक्शन लिमिटेड ट्राइबल एफिलियशंस के साथ ये बना और इसमें हमने ये देखा कि ये बहुत सारे आइडियाज़ कल्चर लैंग्वेज चीज़ों को यानी उसके अंदर और बेशुमार चीज़ें ले जाए और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत सी और चीज़ें कैलाश के कल्चर को मैं आखिरी तौर पर डिस्कस करना लाजिम समझता हूँ उस कल्चर को आप अडॉप्ट तो नहीं कर सकते लेकिन इकोनॉमिकली रिवाइटलाइज़ ज़रूर कर सकते हैं बेहतरीन तौर पे हमारे पास चित्राली कल्चर है हमारे पास थर का कल्चर है लेकिन मैंने कहा कि जैसे स्ट्रॉगेस्ट कल्चर जो है यानी मज़हब के साथ भी रिलेट करना तो तिब्बत के अंदर जो है वो आप हैरान होंगे वहां मार्क्स में जब आप देखेंगे तो शेर जो है वो बिल्कुल आपको सुन होकर के यूं करके बैठे होंगे और वो बताएंगे कि हमने शेरों को सूफी कर दिया सो so, uh, अगर शेरों को सूफी कर देते हैं तो इसका मतलब है वो बताते हैं आपके अंदर का इस तरह का बीस्ट वाइल्ड एंगर और आपके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को जो आपकी uh, uh, mo, uh, जो uh, नफ़्स से रिलेट करते हैं जिसको तजकिया नफ्स कहते हैं तो उसको वो रिलेट करते हुए अपनी टर्म्स के अंदर बताते हैं कि हमने एक सूदन वाइटन एंड लाइटन इंसान बना दिया सो दिस इज़ हाउ दे डिपेक्ट देयर कल्चर इन द एंटरप्रेन्योरियल वे Thank you very much.